कोरोना को लेकर बड़कोट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक दिन में 56 मरीज मिले हैं, 6 कंटेनमेंट जोन बने हैं और सुरंग बना रही कंपनी के 22 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर और पत्नी को भी कोरोना है। राजगढ़ी के 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित, स्कूल भी बंद। नितिन से जानकारी लेते हैं। नितिन, ये बताइए कि तरह तरह क्षेत्र के लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, किस तरीके की टेस्टिंग की जा रही है, क्या हालात है? इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके से पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में अकेले बड़कोट तहसील के अंतर्गत 56 मामले सामने आए हैं। जबकि अगर मैं ये पूरे यमुना घाटी की अगर बात करूं तो इसमें बड़कोट तहसील, परोला तहसील और मोरी तहसील कुल 64 मामले सामने आए हैं। इसमें फिलहाल जो स्थिति है, 56 मामले जो सामने आए हैं, इसमें अकेले ही एक सेंटर स्कूल में 3 शिक्षक इसमें पॉजिटिव आए हैं, एक निजी अस्पताल है उसमें डॉक्टर और उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आई है। जबकि जो यहाँ पे एक गजा इंजीनियरिंग एक सुरंग कंपनी है जो यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच में सुरंग बनाने का काम कर रही है, यहाँ पे 22 कर्मचारी इसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने जो है जो गजा इंजीनियरिंग का जो कार्यालय है उसको पूरी तरीके से सील कर लिया गया है, केंद्रीय विद्यालय को उसको भी सील कर लिया गया है। अब अगर इसकी बात करें हम बड़कोट तहसील के अंतर्गत तो कुल 6 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। 6 में से अकेले बड़कोट नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका में 4 कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 1, कुल तीन वार्डों में 4 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। मैं इसमें लगता ये भी बात बताना चाहूंगा कि एक सप्ताह पहले पहला एक मामला यहाँ पे बड़कोट में आया था, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार बनती रही पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार मामले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, ये चौंकाने वाला है जो आपने बताया है, वो वाकई चौंकाने वाला है। जहां एक हफ्ते पहले एक केस था, आज वहां 6-6 कंटेनमेंट जोन बने हैं, ये कैसी रफ्तार है? इसके बारे में तो रिसर्च करने वाले भी अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपका शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं विनोद का, और राजधानी में खड़े हैं आप, वहां आइडिया होगा लोगों को कि बड़कोट जैसी जगह में ऐसी कहानी है कि एक हफ्ता पहले एक पेशेंट और आज वहां कंटेनमेंट जोन है, जगह जगह से केसेस निकल रहे हैं, आखिर पता कैसे लगेगा? यही बात हो रही है कि लोग वहां पहुंचे हैं विनोद, या टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई है, बॉर्डर पे चेकिंग ठीक से नहीं हुई है? जी सुनीलता, देखिए अब पूरे उत्तराखंड में ही हालात बेहद चिंताजनक है और लगातार जिस तरह से कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार कैसे इस संक्रमण को रोका जाए। लिहाजा लगातार अब राज्य सरकार ने 3 दिनों यानी 28 अप्रैल तक जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनको बंद रखने के आदेश दिए हैं। दिशा निर्देश लगातार राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं और वहीं ऊपर अगर तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है, प्रशासन दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन अब ये पहाड़ों तक पहुंच चुका है। विनोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।